छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की। तो देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जनजाति से क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ से जीपीसी प्री का जो एग्जाम है 12 फरवरी को होगी, यानी कि होगी मतलब होगी 12 फरवरी को सीजीपीएससी का। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में जनजाति से क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके टॉपिक यानी कि यहाँ से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका प्रथम पेपर का पहला है, तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीजीपीएससी पीएससी में और व्यापम में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है जनजाति से, ठीक है। पहला है भारत के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है, तो आप बताएंगे इसका 8% जो है ना छत्तीसगढ़ के जनजातीय संख्या है। ये आपके पीएससी और व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ वन लाइनर है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके पीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। सेकंड है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है, तो ये आप सभी को पता होगा गोंड जनजाति, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति है, जिसमें 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है एवं 161 उप समूह हैं। कितने हैं, 161 उप समूह हैं, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा, आपके सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में पूछा गया है। किसने जनजाति को पिछड़ा हिंदू कहा जाता है, किस कौन सा जनजाति को पिछड़ा हिंदू कहा जाता है, तो ये आपका दुरिया जाति क्या है, घुरिये, यानी कि सीजीपीएससी प्री में पूछा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो जनजाति जो जनसंख्या के अनुसार भारत का प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, यानी कि भारत का जो पहला स्थान है कौन सा राज्य है जनसंख्या में, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है आपका जनजाति जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा स्थान है, तो जनजाति जनसंख्या के अनुसार जो छत्तीसगढ़ में जो भारत का जो स्थान है आपका चौथा स्थान है, कौन सा चौथा, नोट कर लीजिएगा, ये आपका सीजीपीएससी प्री में पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के किस मत में, यानी कि यहाँ पर कौन से प्रदेश में जनजाति प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे मिजोरम, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के किस प्रदेश में जनजाति प्रतिशत सबसे कम है, छत्तीसगढ़ के किस प्रदेश में पूछा गया है, तो आप बताएंगे पंजाब, ठीक है पंजाब। अब देखिए छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, तो आप सभी को मैंने बताया हूँ हाल ही में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, सीजीपीएससी में पूछा गया है और एडीओ के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एडीओ आपको व्यापम में आता है, ठीक है, तो व्यापम में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति का कितना प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कई लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हैं, आंसर डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो यहाँ पर आपका गलत आंसर निकल कर भी आ सकता है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आप कभी भी एग्जाम में जाइएगा तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कुल जनजाति का कितना प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है पूछा है, तो आप बताएंगे 30.62%, यानी कि 30.62, ठीक है, कितना 62%, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़ी जनजाति, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ी जनजाति है आपका अबूझ माड़िया, और छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति वाले पूछा जाए तो आप बताएगा उरावी, आपका सीजीपीएससी और व्यापम में आया हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सब व्यापम और पीएससी वाले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे धनी जनजाति यानी कि धनी यानी कि धनवान, ये आपका हलवा है, पीएससी में पूछा है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो सबसे समृद्ध, ठीक है, सबसे समृद्ध जनजाति आपका मुड़िया जनजाति, कौन सा है, मुड़िया जनजाति है, ठीक है। अब देखेंगे इसको, ये ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा अभी। ये छत्तीसगढ़ को आदिवासी क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ को कितने आदिवासी हैं, 3, उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, मध्य, उत्तर और केंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, एक बार दोहराइएगा मेरे साथ, मध्य, उत्तर और केंद्रीय, छत्तीसगढ़ को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है आदिवासी में, एक बार फिर से दोहराइएगा, मध्य, उत्तर, केंद्रीय, ठीक है। अब चलिए जितने भी क्वेश्चन अभी लाया हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो क्वेश्चन लाया हूँ। छत्तीसगढ़ के कुछ जनजातियाँ हैं जिनके निवास से संबंधित अक्सर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पीएससी व्यापम एजीडीडीओ जितने भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये सभी पूछा गया है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा।
छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तृत है? तो ये आपका गौड़ जनजाति है, ठीक है, SC GPSC और DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा है। अब उजमारिया जनजाति का प्रमुख रूप से किस जिले में निवास करते थे? आप सभी को पिछले कक्षाओं में बताया था, अब उजमारिया जनजाति है जो आपके नारायणपुर जिले में निवास करती है। आपके व्यापम डाटा एंट्री ऑपरेटर AGTO यानी ग्रेड 3 के रूप में पूछा है, ठीक है। अब कंवर जनजाति का संकेंद्रण मुख्य रूप से कहाँ है? जो कंवर जनजाति है आपका रायगढ़ जिले में, आपका व्यापम DEO AG3 में पूछा है। भैना जनजाति का संकेंद्रण मुख्य रूप से बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में, ठीक है, कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक है। उराव जनजाति छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जो उराव जनजाति आपका जसपुर में पाया जाता है, क्या है? जसपुर, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जसपुर में, नोट कर लीजिएगा, कहाँ पाया जाता है? जसपुर में, ठीक है। नागेशिया जनजाति मुख्य रूप से वो भी रायगढ़ में पाया जाता है, ठीक है, नागेशिया है ना, इसको याद कर लीजिएगा, PSC में अक्सर पूछा जाता है, नागेशिया आपका रायगढ़ में, ठीक है, और जो उराव है जसपुर में, ठीक है, एक बार नोट कीजिएगा फिर से, ठीक है, उराव जनजाति आपका जसपुर जिला और नागेशिया आपका रायगढ़ जिला, कोल आपका सरगुजा, ठीक है, कोल है, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो तीनों क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार देखिए, जो उराव जनजाति कहाँ पाया जाता है? जसपुर में, नागेशिया रायगढ़ में, कोल है सरगुजा में, ठीक है। खैरवार जनजाति का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? खैरवार सरगुजा। छत्तीसगढ़ के कौन से जनजाति कत्था के लिए प्रसिद्ध है? कत्था व्यवसाय करते, खैरवार, PSC ABO AG3, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के पालकी ढोने का जो काम करती है, पालकी यानी कि ये आपका खड़िया लोग करते हैं, ठीक है, ये आपका CGPSC ABO DEO तीनों ही एग्जाम में आया हुआ है। प्रधान जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाया जाती है, प्रधान जो जनजाति है आपका रायपुर जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा? प्रधान, ठीक है। पंथी जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? तो पंथी जनजाति आपका सरगुजा में, ठीक है। उसके बाद सौता जनजाति मुख्य रूप से आपका कटघोरा जिला कोरबा में, ठीक है। अब सौरा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? तो रायपुर, ठीक है। अगरिया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? बिलासपुर, अगरिया आपका बिलासपुर, सौरा रायपुर। सौरा का मतलब होता है सांप पकड़ने वाला, ठीक है, सांप पकड़ने वाला, इसको हम सपेरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सपेरा भी कहते हैं, ठीक है, सपेरा भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी आपको जानकारी और पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगा, जो लोग व्यापम PSC या SSC की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ व्यापम और PSC की तैयारी करवाता हूँ, SSC की नहीं करवाता, ठीक है। तो जो लोग व्यापम या PSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है। साथ ही वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, ठीक है। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड लाऊँगा तो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और एक बात और है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति जो धनुर्धारी, ये आपका धनवार है, PSC और फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया है, ठीक है। धनवार जनजाति का मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पाया जाता है। उसी प्रकार गदवा जनजाति मुख्य रूप से बस्तर में पाया जाता है, CMU में पूछा गया है, CGPSC, ठीक है। अब बर्जा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? देखिए, जिला में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिला वाला। तो बर्जा जनजाति आपको बस्तर, धुरवा है बस्तर, कमार है गरियाबंद, ठीक है, तीनों कहाँ कहाँ पाया जाता है पूछा गया है, एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोरवा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? जितने भी जनजाति है सब पूछा गया है, स्थान पूछता है आजकल, ठीक है। कोरवा सरगुजा में, भील कोरिया में, मांझी बिलासपुर कोरबा में, पंडो आपका हो जाएगा कहाँ है जल्दी बताइए, पंडो सूरजपुर और सरगुजा, ठीक है। चलिए, अब गौड़ जनजाति से क्वेश्चन देखते हैं। अब गौड़ जनजाति में, ठीक है, 42 प्रकार की जो जनजाति पाई जाती है और 161 उप समूह होता है, तो सबसे बड़े जनजाति है गौड़ जनजाति, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ पिछले वर्षों में पूछा गया है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति जो समूह है आपको गौड़ जनजाति है, आपका CGPSC फूड इंस्पेक्टर DEO AG3 में पूछा है। अब गौड़ का शब्द होता है उत्पत्ति किस शब्द से लिया गया है, तो कोंड शब्द से लिया गया है, ठीक है, कोंड शब्द से याद कर लीजिएगा। चलिए अब कोंड अपने आपको क्या कहते हैं, कोंड अपने आपको कोइतूर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोइतूर, यह आपको CGPSC DEO AG3 और MI में पूछा है। अब देखते हैं कोइतूर शब्द का अर्थ होता है पर्वतवासी, क्या होता है, पर्वतवासी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोइतूर शब्द का अर्थ है पर्वतवासी, DEO AG3 MI में पूछा गया है, यानी कि MI का मतलब होता है क्या होता है, मंडी निरक्षक, क्या होगा MI का मतलब। गोंड जनजाति के सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ है, बस्तर में, किसे गोंडों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बस्तर को। यह देखिए जितने भी, देखिए आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सभी है ना CGPSC APO जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी व्यापम का है, PSC का है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये सभी मैं बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ आप सभी के लिए। एक बार वीडियो को पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको रिविजन कर लें। चलिए अब उसके अबुझमाड़िया जनजाति से देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, जो अबुझमाड़िया जनजाति प्रमुख रूप से अबुझमाड़ में पाई जाती है, अबुझमाड़ शब्द का अर्थ होता है अज्ञात, क्या होता है, अज्ञात, इसका अर्थ होता है अज्ञात। अबुझमाड़िया जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं, मेटा भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटा भूमि, ठीक है। अब माड़िया जनजाति से देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। माड़िया जनजाति में प्रमुख रूप से निवास करती है बस्तर में, कौन सी जनजाति बस्तर में यात्रा पर्व के समय वन भैंसे के सिंह लगाकर द गौर नाम का नृत्य करती है, ये याद रखिएगा, क्या है इम्पोर्टेंट, द गौर नाम का नृत्य करती है माड़िया जनजाति, ठीक है। और विश्व का सबसे सुंदर नृत्य किसे कहा गया है, तो आप बताइएगा, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य गौर नृत्य को कहा जाता है, ये आपको CGPSC AG3 MI में पूछा है, बिल्कुल याद कर लें, ठीक है, बिल्कुल याद कर लें, आपके जनजाति से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आप सभी को मैं पिछले कक्षा में बताया था कि जनजाति में 42 प्रकार की जनजाति होता है, तो मैं आप सभी को जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो जनजाति से पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य गौर नृत्य को कहा जाता है, और द गौर पुस्तक के लेखक है वेरियन एल्विन, कौन है, वेरियन एल्विन, देखिए ये सभी व्यापम PSC में आया है। अब मुड़िया जनजाति से देखते हैं, ठीक है, माड़िया देख लिया, मुड़िया, मुड़िया शब्द का अर्थ होता है आदिम, ये भी PSC में पूछा है, ठीक है, मुड़िया शब्द का अर्थ होता है आदिम। और मुड़िया जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है, बस्तर में, ठीक है, मुड़िया है। और ककसार किस नृत्य है, ककसार मुड़िया का, ये आपके एग्जाम में आता है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नृत्य संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ककसार किस जनजाति का नृत्य है, तो ककसार है आपका मुड़िया जनजाति का नृत्य है, ठीक है। अब देखिए मांदरी किस जनजाति का नृत्य है, ये भी मुड़िया है, माओपाठा मुड़िया, घोटूल मुड़िया, और ये जितने भी है सभी PSC और व्यापम में आया है। चलिए एक बार दोहराइएगा, मांदरी किस जनजाति का नृत्य है, तो मांदरी आपका मुड़िया जनजाति, माओपाठा मुड़िया जनजाति, घोटूल पाठा मुड़िया जनजाति, ठीक है, जितना क्या सब मुड़िया है। घोटूल के महिला के मुखिया को बेलोसा कहते हैं, क्या कहते हैं, बेलोसा, ये आपके PSC 2019 में आया है, ठीक है। देखिए घोटूल के महिला को मुखिया को बेलोसा कहते हैं, और घोटूल के जो पुरुष मुखिया को सिरेदार कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरेदार, इसको नोट कर लें, ठीक है, क्या कहते हैं एक बार चलिए कमेंट करके बताइएगा, घोटूल के पुरुष मुखिया को क्या कहा जाता है, कमेंट करेगा, है ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग जल्दी से कमेंट करें क्या होगा। और देखिए बहुत लोगों का आंसर आ भी चुका है सिरेदार, सिरेदार करके, और बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ का मड़ी महोत्सव होता है, तो छत्तीसगढ़ में
कहाँ कहाँ मढ़ई महोत्सव होता है, तो आपका नारायणपुर, CGPSC, अमीन और AG3MI जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो मढ़ई महोत्सव का होता है नारायणपुर में होता है, ठीक है। चलिए बैगा से क्वेश्चन देखेंगे। बैगा जनजाति का जो निवास है मुख्य रूप से मैकल पर्वत श्रेणी से, ठीक है। और बैगा जनजाति अपने आप को किसके पुरोहित मानते हैं? गौड़ जनजाति के पुरोहित मानते हैं। किसके? गौड़, ठीक है। क्या मानते हैं? गौड़ जनजाति का पुरोहित मानते हैं, ठीक है। और बैगा जनजाति का प्रमुख देवता होता है बूढ़ा देव। और देखिए देवी देवताओं से प्रश्न पूछा जाता है, देवी देवताओं से प्रश्न पूछा जाता है, ये हमने नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, यानी कि पार्ट टू में, ठीक है। पार्ट टू में आपका जनजाति से देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। चलिए बैगा जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? तो बैगा जनजाति का प्रमुख देवता है आपका बूढ़ा देव। CGPSC ADO में पूछा है बूढ़ा देव किस वृक्ष की पूजा करते हैं? साजा। CGVAPA MATMARI में पूछा गया है बैगा जनजाति कृषि को क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाता है। CGPSC AMIN PATWARI में पूछा गया। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को डेली क्लास करा रहा हूँ। ये आपके बूढ़ा देव बैगा देव, ये जितने भी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज यहीं तक क्लास करें कि आगे और क्वेश्चन देखें, आप लोग कमेंट करके बताइए। सर क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा। थैंक यू सर, अब और क्लास कराइए। ओके चलिए क्लास करते जाइएगा ना। देखिए ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब देखिए बैगा जनजाति का जो आभूषण होता है गोदना। बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है सल्फी। बैगा जनजाति पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखा है? दयाशंकर नाग ने। क्या? दयाशंकर नाग, आपका CGPSC ADJ और व्यापम में, ठीक है। बिरहोर से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में पाया जाता है। बिरहोर जनजाति के युवक गृह को गीति योना कहा जाता है, PSC एग्जाम में व्यापक में आया हुआ है, दोनों जो है एग्जाम में आया हुआ है बिरहोर। देखिए अब युवा गृह से भी क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से? युवा गृह से, ठीक है। बिरहोर जनजाति आपके युवा गृह से भी क्वेश्चन आते हैं। द बिरहोर नाम का जो पुस्तक की रचना आपका AC राय ने की है, किसने? AC राय, ठीक है। PSC में पूछा गया है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। द बिरहोर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? AC राय ने की है, ठीक है। और बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है, इसको याद रख ले, गीतियोना। कोरवा से देखते हैं, कोरवा जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, ठीक है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, ठीक है। कोरवा जनजाति की कितने शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, पहाड़ी और दिहाड़ी। पहाड़ी और दिहाड़ी या दोनों क्या हैं? कोरवा की शाखाएं हैं। कोरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य है दमनाच नृत्य। आप देखिए जो क्वेश्चन में आया हुआ है इसको याद कर लीजिएगा। कोरवा की 2 शाखाएं होती है, पहाड़ी और दिहाड़ी। उसी प्रकार कोरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य दमनाच नृत्य होता है, ये PSC CMO AD में पूछा है। वह कौन सा नृत्य है जो भय पैदा करने वाला होता है? दमनाच। बिल्कुल यही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को करा रहा हूँ, ठीक है। दमनाच नृत्य भय पैदा करने वाला होता है, क्या? भय। और कोरवा जनजाति के युवा गृह को हंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं? हंडिया, ठीक है। चलिए कमार वाला जनजाति देख लेते हैं, उसके बाद कल क्लास करेंगे, ठीक है। कमार जो जनजाति है आपका मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में पाया जाता है। इसकी 2 शाखाएं होती है, ठीक है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, है ना। कमार में तो ये पहाड़ पर रहने वाला कमार जनजाति पहाड़ पटिया कहलाता है। उसी प्रकार मैदानों में निवास करते इसको बधरजिया, नहीं ये बुधरजिया है, ठीक है, इसको बुधरजिया कहते हैं, ठीक है, बुधरजिया कहते हैं। और जो हलवा वाला क्लासेस है ये कल करेंगे पार्ट टू में, ठीक है, ये कल क्लास रहेगी, पार्ट टू में हलवा से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँच सके। वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी या
आपको वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। जितने भी बच्चे हैं ना वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर दोगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दोगे। आपको अच्छा लगता है तभी लाइक करोगे ना, या फिर नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की मर्जी। मेरा काम है आप लोगों को गाइडलाइंस देना, आपको पढ़ाना, आपको सही राह दिखाना, ठीक है। चलिए यही क्लास आज ख़त्म करते हैं, कल के क्लास में देखेंगे पार्ट टू में जनजाति से, ठीक है। ये आपका पेय पदार्थ, नित्य, युवा गृह जितने भी हैं सभी से क्वेश्चन देखेंगे।